हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अलिशाज फैशन सो आज मैं आप लोग शो शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपने फेस के ऊपर जो अनवांटेड हेयर है उसको रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से एंड घर बैठे सो so, मेरे पास जो है ये सनफे है जो मैंने ख़रीदा था अमेजोन से बहुत ही अमेजिंग एक प्रोडक्ट है जब मैंने खरीदा था इसका टू समथिंग कुछ प्राइस था आप एक बार चेक करके देख सकते हो सनफे अमेजोन में मेरे पास दो ब्लेड मुझे मिला है एक ही परचेज में दो ब्लेड मतलब बहुत टाइम से मैं यूज़ कर सकती हूँ इसलिए बहुत अच्छा है एंड इसका जो कलर है पिंक कलर है, है, इसका जो है एंड बहुत ही पतला है बहुत आसान तरीके से आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो तो पहला जो मेरा स्टेप होगा वो बहुत अच्छी तरीके से मैं क्या करूँगी फेस को वॉश करूँगी फेस वॉश से सो यहाँ पर मैंने जो फेस वॉश लिया है वो है वाइटामिन सी वाओ का फेस वॉश आप कोई भी फेस वॉश से अपना फेस को वॉश कर वॉश कर सकते हो आए तो मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे बात करने में लेकिन कोई नहीं मैं करूँगी उसके बाद मुझे जो करना है वो है एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल आप अपने फेस के ऊपर लगा लो क्योंकि कोई भी दिक्कत हो नहीं होगा अगर आप एलोवेरा जेल लगाओगे कोई भी ईचिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी रैशेज़ नहीं निकलेगा तो इसलिए मैंने एलोवेरा जेल लगाया है और उसके बाद अपना जो हेयर है वो भी थोड़ा सा नरम हो गया एंड बहुत अच्छी तरह से वो रिमूव भी होगा इसलिए एलोवेरा जेल लगाना मैग्नेटरी है तो उसको लगाओ उसके बाद जहाँ पर आपको रिमूव करना है फेसियल है उस पर बहुत अच्छी तरह से लगा लेना उसके बाद मुझे जो करना है अपने ब्लेड को लेना है एंड बाय द वे ब्लेड बहुत ही सिल्क है बहुत ही पतला है तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है इसमें कैप भी है जब भी आपको यूज करना है एंड यूज करके आपको फिर से यूज कर सकते हो यूज़ भी कर सकते हो वॉश करके रखना है एंड आपको ब्लेड कभी भी ऊपर की तरफ नहीं लगाना है सब हमेशा नीचे की तरफ ही आप उसको खींचो क्योंकि वो क्या क्या होता है ना अपने ऊपर की तरफ अगर आप लेते हो तो अपने स्किन में रैशेज होने का चांसेस ज्यादा है स्किन को जितना भी हमारा फेस का स्किन है एक हाथ से उसको टाइट करके पकड़े करना और उसके दूसरे हाथ से बहुत अच्छी तरह से नीचे की तरफ आपको ब्लेड जो ब्लेड है उसको नीचे की तरफ आपको टानना है तो so, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव भी कर सकते हो एंड देखो बहुत अमेजिंग है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि कैसे अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकती हूँ तो मेरे पास बहुत एक मतलब जादू की छड़ी मिल गया है कि बहुत अच्छी तरह से मैं फेशियल हेयर को रिमूव भी कर सकती हूँ एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि कुछ भी होता नहीं है मतलब कोई रैशेज नहीं है ऐसा नहीं कि ब्लेड हम हमारा एक सोच है कि ब्लेड मतलब यूज़ कर रही उसका मतलब हमारा जो हेयर नेक्स्ट टाइम निकलेगा वो बहुत आ, ग्रो बहुत ज़्यादा होगा ऐसा कोई भी नहीं है कुछ भी नहीं है मैंने यूज़ करा करा है एंड बाय द वे इसको मंथ में एक बार यूज़ करना या ज़्यादा हेयर आता है तो दो बार यूज़ करना लेकिन ज़्यादा मत यूज़ करना क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नहीं होता है तो हमेशा आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपका फेशियल हेयर है अनवांटेड हेयर है जहाँ आपको पसंद नहीं है तो यूज़ आप उसमें उस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको निकल सकते हो हेयर को एंड और एक चीज़ जब भी हम लोग मेकअप करते हैं ना ये हेयर बहुत मतलब दिखने लगता है बहुत बेकार लगता है तो इसलिए जब कोई भी है ना जो मेकअप करना पसंद करता है उसको हेयर रिमूव करना होता है तो हमेशा ये हेयर रिमूव करना चाहिए मतलब मंथली एक बार या दो बार उससे ज़्यादा नहीं और उसके बाद मेरा तो आ, मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं एक बार ही करती हूँ ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मेरा फेशियल हेयर ज़्यादा नहीं होता है एंड आपको रियूज़ करने के लिए उसको क्या करना है सिर्फ वॉश करके कैप में घुसा के रखना है एंड बाद में यूज़ करना है और एक चीज़ हमेशा कोल्ड वाटर यूज़ करना जब भी आपका फेशियल हेयर कंप्लीट हो जाए रिमूव करना कोल्ड वाटर या अगर आइस क्यूब है उसको भी रब कर सकते हो अपने अपने फेस के ऊपर क्योंकि वो हमारा जो पोज है उसको बहुत अच्छी तरह से बंद करता है कोई भी दिक्कत नहीं होता है कोई भी रैशेज का प्रॉब्लम नहीं होता है एंड देखो मेरा थोड़ा थोड़ा रेड होता है ये रेड होगा सबका ही कोई इश्यूज नहीं है इसमें तो थोड़ा सा कोल्ड वाटर या आइस क्यूब थोड़ा सा रब करना उससे अब अपना फेस को भी अच्छा लगेगा आपका जो पोज है उसको भी बंद करेगा एंड बहुत अच्छे से आपका फेस भी मतलब ग्लो करेगा उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है मेरा फेस में मैंने आइस बॉटल लगा लिया है एंड उसके बाद जो आपका करना है थोड़ा सा वेट करके आप देखो कितना अच्छा मतलब लग रहा है कि पूरा फेस रिमूव हो गया हो गया है एंड बहुत अच्छा लग रहा है फील तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं फेस रिमूव करती हूँ फेस फेस का हेयर रिमूव करती हूँ सॉरी उसके बाद जो अब करना है टोनर लगाना है टोनर अच्छी तरह से लगा लेना पूरा एकदम टोनर लगा के आपको बहुत रिफ्रेशिंग आएगा एंड उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट काम है वो आप कर सकते हो मेकअप करना है तो कर सकते हो या कुछ और भी काम है तो कर सकते हो सो गाइज़ थैंक यू